हेलो एवरीवन, अपनी प्रैक्टिकल क्लास में हम सॉल्ट एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। सॉल्ट एनालिसिस में हम लास्ट टू लेक्चर्स में बेसिक डिस्कस कर चुके थे कि ये सॉल्ट एनालिसिस में हमें करना क्या है, और फिजिकल टेस्ट, स्मेल, कलर जो हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं उन्हें डिस्कस किया था। इसके साथ हमने दो टेस्ट डिस्कस कर लिए थे, ड्राई हीटिंग टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट। अब उसी में अपना नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ टेस्ट इज बोरेक्स स्पीड टेस्ट। बोरेक्स स्पीड टेस्ट, पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है, ये जो टेस्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ कलर्ड कंपाउंड्स के लिए होगा, जो हमारे पास कलर्ड मिक्सचर्स होंगे ना उनके लिए। बाकी किसी के लिए नहीं करना है आपको। अगर आपका मिक्सचर कलर्ड है, जैसे हमने पहला टेस्ट बात की थी कि ब्लूइश ग्रीन, लाइट पिंक, ब्राउन, इनमें से कोई कलर आ रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे ना, और अगर व्हाइट है तो ये टेस्ट नहीं होगा। अगर मिक्सचर में कोई भी कलर्ड है, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, कलर्ड है, तब आप ये बोरेक्स स्पीड टेस्ट करोगे। ठीक है, इस बोरेक्स स्पीड टेस्ट के लिए आपने जो वायर यूज करनी है वो वही होगी जो आपने फ्लेम में यूज की थी, सेम वायर। ठीक है, वायर जो आप लोगे वो कौन सी होगी? प्लैटिनम। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब फ्लेम टेस्ट की बात की थी कि जो प्लैटिनम वायर यूज करने का मेन पर्पस है कि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल होता है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तो इसीलिए जो हम पर्टिकुलर मिक्सचर ले रहे हैं वो सिर्फ उसके कंपोनेंट का ही कलर देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे करना है बोरेक्स बीड। बीड का मतलब होता है मोती, से मोती होते हैं, और बोरेक्स हमारे पास क्या होता है? पाउडर होता है। ठीक है, ये बोरेक्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये है बोरेक्स। हमें सबसे पहले इस बोरेक्स का बीड बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो हमारी प्लैटिनम वायर है, ठीक है, आप इस वायर को डिप करोगे बोरेक्स पाउडर में। प्लैटिनम वायर प्लस बोरेक्स, इस लूप के ऊपर बोरेक्स आएगा, देन आप इसे हीट करोगे। अब जब आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा, जो बोरेक्स है उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये लूज हो जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होंगे तो ये जो बोरेक्स है यानी Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये चेंज हो जाएगा Na2B4O7 प्लस 10 में, ये लॉस हो गए। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो गए, और ये जो फर्दर है ये हमारे पास बना देता है Na2BO2 प्लस B2O3। ठीक है, ये है हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट। और ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड। ये बोरिक एनहाइड्राइड जो है ये हमें क्या करेगा, एक बीड फॉर्म करके देगा। ठीक है, जो बोरिक एनहाइड्राइड है ना, इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बीड आ जाएगा। बीड यहां पर आपको जो वायर है ना, वायर के ऊपर आप बोरेक्स लगाओगे, फिर आप उसे हीट करोगे, हीट करने के बाद यहां एक बीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उस बीड को आपने क्या करना है, अपने मिक्सचर में डिप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया, बीड जैसे एक मोती होता है ना, और इस जो बीड का ना कोई कलर नहीं होगा, ये एक ग्लास टाइप के कलर का होगा, व्हाइट कलर का। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाए, की फॉर्मेशन रहेगी ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, आपने इसको क्या करना है, देन इसको डिप करना है आपने मिक्सचर में। अब आप मिक्सचर को या तो डायरेक्ट इस बीड में डिप कर सकते हो, या फिर उस मिक्सचर का HCl में आप पेस्ट बनाकर भी डिप कर सकते हो। ठीक है, देन आपने क्या लेना है, ये बीड जो वायर पे लगा हुआ है प्लस मिक्सचर, देन आपको फिर उसे हीट करना है जैसे आपने उसमें किया था फ्लेम टेस्ट में, सिमिलर वे में, बस उसमें वायर के ऊपर डायरेक्ट मिक्सचर लेना था और उसको हीट करना था और फ्लेम का कलर नोट करना था। यहां किसी फ्लेम का कलर नहीं नोट करना है, यहां इस बीड का कलर नोट करना है।
जब उस बीट के ऊपर मिक्सचर लग गया, आपने उसे हीट किया, देन उसे फ्लेम में लेके जाओगे एंड नोट कलर ऑफ बीट। आपने इस बीट के कलर को नोट करना है, क्या कलर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो कलर है वो ब्राउन आ रहा है, अब मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, आप फ्लेम में कौन सी रख रहे हो, ठीक है, किस फ्लेम में कलर नोट करना है। जैसे हमारे पास बर्नर होता है, तो बर्नर की जो फ्लेम होती है आपने उसे किस वाले पार्ट में बर्न किया। जैसे ये बर्नर है, ठीक है, आपने उसे किस पार्ट में बर्न किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कलर है वो कौन सा आएगा। जैसे ये वाली जो ऊपर की फ्लेम होती है, ये होती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऐसे ही जो इनर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। आपने जो अपना बीड है वो रिड्यूसिंग में रखना है या ऑक्सीडाइजिंग में रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऑक्सीडाइजिंग में रख लो, जैसे ऑक्सीडाइजिंग में रखा और आपके पास लाइट पिंक कलर आया, मैंने ऑक्सीडाइजिंग में रखा है लाइट पिंक कलर, बीड का कलर नोट करना है, बीड पे नॉट फ्लेम, बीड का कलर, ठीक है, लाइट पिंक कलर आया तो ये किसका होता है, एम एन टू पॉजिटिव का। ब्राउन कलर आता है इसमें तो वो होता है निकल टू पॉजिटिव का, क्लियर। ये टेस्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेडिकल्स के लिए, फॉर बेसिक रेडिकल्स, लाइट पिंक एम एन टू पॉजिटिव, ब्राउन निकल टू पॉजिटिव का आता है हमारे पास, जैसे डार्क ग्रीन है वो क्रोमियम टू थ्री पॉजिटिव, ग्रीन कलर जो होता है कॉपर, कॉपर तो हर जगह ही अपना या तो ब्लू या ब्लूइश ग्रीन ऐसा ही कलर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमारे पास ये कलर आते हैं। ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग में हीट किया, आपकी जो फ्लेम है वो रिड्यूसिंग है, तब आपके पास क्या कलर आएगा। अगर आपके पास रेड कलर आ रहा है तो वो कॉपर है, जैसे यहाँ ग्रीन था ना, यहाँ रेड है, ठीक है, डार्क ग्रीन इसमें भी था और डार्क ग्रीन इसमें भी है, दोनों में क्रोमियम का सेम है, इसमें भी और इसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एम एन यहाँ पर क्या था, लाइट पिंक, और रिड्यूसिंग में ये कलरलेस होता, ठीक है। निकल यहाँ पे ब्राउन था, इस कलर में यहाँ पर ब्लैक होता है, क्लियर। तो इस तरह से क्या कलर आ रहा है, जरूरी नहीं है आप सारे कलर नोट करो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक दो कलर नोट कर याद कर सकते हो, रेस्ट आपको स्कीम अलाउड होती है एग्जाम में, आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है फ्लेम एंड बोरेक्स बीड में, पहली चीज फ्लेम में वायर वगैरह हम दोनों में सेम यूज करते हैं, मिक्सचर का पेस्ट भी सेम तरीके से बनता है, उसमें फ्लेम का कलर नोट करना है, इसमें बीड का कलर नोट करना है, बिकॉज इसमें बोरेक्स ले रहे हैं, तो बोरेक्स को जब हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होंगे और एक बीड बन जाएगा, उस बीड का जो कलर आएगा हम वो नोट करेंगे, उसमें फ्लेम का कलर नोट करना है, ठीक है। और सेकंड, फ्लेम टेस्ट हर किसी के लिए करना है, चाहे मिक्सचर कलर्ड हो या कलरलेस हो, बट बोरेक्स टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, कलर्ड मिक्सचर के लिए करना है, ये डिफरेंस है, क्लियर। तो ये था हमारा टेस्ट, दैट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, नंबर सिक्स, दैट इज कास्टिक सोडा टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ऐसा टेस्ट है क्योंकि इससे एक आयन निकलने ही वाला है। अब कास्टिक सोडा टेस्ट, कास्टिक सोडा हम बोलते हैं NaOH को, NaOH हमारा क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो हमें इस टेस्ट में क्या करना है, अपना मिक्सचर लेना है, उस मिक्सचर के अंदर हमें डालना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालना है, डिल्यूटेड नहीं, ज्यादा डिल्यूटेड नहीं करना, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालना है NaOH का, ठीक है। उसके बाद आपने इसे हीट करना है, एंड देन हीट, हीट करने के बाद अगर अमोनिकल गैस निकल दिया या फिर कह लो गैस विद अमोनिकल स्मेल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, कंफर्म्ड,
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था जो स्मेल की बात आई थी कि अगर अमोनिया की स्मेल आ रही है तो NH4 पॉजिटिव आयन मिल जाएगा बिकॉज इसका एक ही टेस्ट होता है इसकी अमोनिकल स्मेल। अब अमोनिकल स्मेल आ रही है, कई बार होता है को किसी की ओवरलैपिंग की वजह से आ रही है, तब हमने कैसे चेक करना है? तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या टेस्ट कह लो। तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या आनी चाहिए, अमोनिकल स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अमोनिकल स्मेल आ रही है तो ये टर्न करेगी रेड लिटमस को ब्लू में। ये हमने ड्राई हीटिंग में भी बात की थी कि बिकॉज बेस है तो बेस रेड को ब्लू में टर्न कर देगा, ठीक है। या फिर अगर आपने रेड लिटमस नहीं डालना तो आप क्या करोगे, इसी ट्यूब के माउथ के ऊपर एक रोड रखोगे, उसको रोड को डिप करोगे HCl में, तो ये क्या देगा उसके साथ, व्हाइट फ्यूम्स विद रोड डिप्ड इन HCl। अगर आप इसके माउथ के ऊपर एक HCl में डिप करी हुई रोड रख दो तो अमोनिया उसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस है ये एसिड है, दोनों में रिएक्ट होगा तो आपके पास व्हाइट कलर के डेंस फ्यूम आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट, ये क्या करता है, हमारा नेस्लर रिएजेंट जो होता है उसको क्या करता है, ब्राउन कर देता है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है नेस्लर रिएजेंट वाला, ठीक है। नेस्लर रिएजेंट हमारे पास लैब में होता है, नेस्लर रिएजेंट का कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं, दैट इज K2HgI4, ये होता है आपका नेस्लर रिएजेंट, ठीक है। जब अमोनिया इनके साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या करता है, ब्राउन कलर की PPT दे देता है, ब्राउन कलर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इससे पता लगता है कि ये क्या है, NH4 पॉजिटिव आयन। मेनली तो स्मेल चेक करते हैं, स्मेल के बाद हम नेस्लर रिएजेंट वाला टेस्ट कर लेते हैं, और अगर लैब में नेस्लर रिएजेंट टेस्ट नहीं है तो रेड लिटमस होगा उससे कर लो, नहीं तो HCl तो होता ही होता है, आप उससे भी चेक कर सकते, क्लियर। तो यहां पर हम अपने नौ नए टेस्ट की बात करी, एक है बोरेक्स बीट टेस्ट, एक है कास्टिक सोडा टेस्ट। कास्टिक सोडा से सिर्फ एक आयन निकलता है, दैट इज NH4 पॉजिटिव आयन, और मैक्सिमम मिक्सचर में ये आयन आपका प्रेजेंट होता है बिकॉज इसको निकालना बहुत ईजी है, तो अगर तीन टफ है निकालने ये बहुत आसान हो जाता है उसमें निकालना। तो कास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इसके साथ क्या, बोरेक्स बीट जो सिर्फ और सिर्फ कलर मिक्सचर के लिए करने, ओके। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टेस्ट डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।